आपको बता रहे हैं कि सादिकाबाद में आरपीओ भावलपुर रॉय बाबर सईद ने जीपीओ रिजवान उमर गोंदल के हमरा कच्चा का तफसीलन दौरा किया। आरपीओ ने कच्चा भोंग सिंध और राजनपुर से मलिका कच्चे के अगले मोर्चों का विजिट करते हुए मजमुई सूरत हाल का जायजा लिया है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक जीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने कच्चा में किए गए अब तक की हिकमत अमली और अमली इकदाम और कार्रवाईओं पर ब्रीफिंग दी। आरपीओ रॉय बाबर सईद ने आइंदा के लाहे अमल के मुतालिक तफसीलन तबादला ख्याल करते हुए हिदायत जारी की है। इस मौके पर एएसपी सर्कल भोंग एसएचओ सैफुल्ला मलही राणा रमजान और पीएसओ 2 आरपीओ मुनीर अहमद भी मौजूद थे। आरपीओ का कहना था कि इशान दर्शन नासिर के मंतकी इंजाम तक पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनल टारगेटेड कार्रवाई का सिलसिला तसलसल से जारी रहेगा। मुल्क भर की तरह जिला सोहबतपुर में भी निजी चैनल के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सहाफी ब्रासरी ने एहतजाजी रैली निकाली और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर सोहबतपुर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सहाफी ब्रासरी ने निजी चैनल के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी और मौजूदा हुकूमत से रिहाई का मुतालबा भी किया और जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। चोटी जीरी में जायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली डीजी कैनाल में गिरने का वाकया। रेस्क्यू का वाटर सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू टीम ने डूबने वालों की मजीद 4 लाशें तलाश कर ली। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशों की शनाख्त ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर और 8 साल कासिम के नाम से हुई है। जाँ भाग होने वालों में 2 सगी बहनें सायरा और सुमेरा शामिल है। हादसे में डूबकर जाँ भाग होने वालों की तादाद 14 हो चुकी है। लापता होने वाले बाकी 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब रुक करेंगे गोजरा का, तो गोजरा की जानिब से गोजरा म्यूनिसिपल कमेटी की बड़ी नाअहली। मोंगी रोड पर सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर आवाम में बीमारियां फैलाने लगे। आवाम ने कई बार म्यूनिसिपल कमेटी को दरख्वास्त दी कि कूड़े के ढेर यहां से खत्म किए जाएं, लेकिन इन पर जूं तक नहीं रहेंगी। ताफुन के सबब शहरी गले और सांस की बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। कूड़े के बायस ट्रैफिक रवानी भी मुतासर हो चुकी है। आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।